नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडेज हेडलाइन के इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। अपनी इस खास पेशकश में उन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से जिन्होंने ज्यादातर अखबारों में अपनी जगह बनाई है। और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, शिव अनुराग पटेरिया जी और रमेश शर्मा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है TNN में। पटेरिया जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, कौन सी वो 10 प्रमुख खबरें हैं जो दिन भर चर्चा का विषय यहाँ रहेंगी? ऋतु, आज 10 खबरों की जगह मैं 2-3 खबरों की ज्यादा व्याख्या करूंगा, 10 आपकी इच्छा के अनुसार बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर है कि प्यारे मियां की दुराचार की शिकार जो बच्ची की मौत हुई है, उसको पुलिस ने बिना उसके घर ले जाए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसको सारे अखबारों ने बड़ा मुद्दा बनाया है और सभी ने कहा है कि मौत जहर देने से हुई है। जहर किसने दिया, उसकी हत्या की गई, उसका साक्ष्य गायब किया गया। मुझे लगता है इसके बारे में से एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। भास्कर ने इस विषय को सबसे ज्यादा गंभीरता के साथ उठाया। उन्होंने लिखा है हाथरस जैसी अमान जिला, हाथरस को आप अच्छी तरह समझते हो, हाथरस में क्या हुआ था उससे अगर नरेट किया है तो मामला शांत होने वाला नहीं है, मामला आगे बढ़ने वाला है। पत्रकार ने कहा है जिस घर में गूंजी थी किलकारी वहां जाने की, अफसोस मिट्टी को उसका आंगन भी नसीब नहीं हुआ। दरअसल पुलिस प्रशासन सबको इसमें एक्यूज किया गया अखबारों में। दूसरा, अखबारों में एक बात कही गई है कि साल्ट फिल्म में खुलासा, सस्पेक्टेड पाजिल से हुई नाबालिग की मौत, एक पीपुल्स समाचार ने कहा है। बाकी सारे अखबारों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ी खबर दी है कि बैतूल की तरह ही छतरपुर में एक 17 वर्षीय बच्ची के साथ में दुराचार हुआ है, अत्याचार के साथ में, ये बहुत गंभीर मामला है। हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, लगातार सचेत कर रहे हैं, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये बहुत ही खतरनाक मामला है। इसके अलावा अगर आप आगे आए तो राष्ट्रीय खबरों में किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच आज फिर होगी बैठक ट्रैक्टर मार्च को लेकर। किसान आंदोलन का कोई हल अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है सरकार झुकी है, किसान भी झुकेंगे ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से सस्पिशन है, जिस तरह स्वास्थ्य हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा है सेकेंड फेज ऑफ द वैक्सीनेशन में 50 साल से ऊपर के जनप्रतिनिधि वैक्सीन लगवाएंगे। निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है। इंटरनेशनल खबरों की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। बाइडेन ने अमेरिका की कमान संभालते हुए मुस्लिम देशों के यात्रा पर प्रतिबंध जो था उसको हटा लिया है, बड़ी बात है। फिर राष्ट्रीय फिर तरफ घूम के आऊंगा तो किसानों ने जो प्रस्ताव छुड़ाया है, देखिए अब क्या होता है उसके आगे, किन तरह से चीजें बढ़ती हैं। इसके अलावा शराब कांड को लेकर बड़ा मामला चल रहा है। उमा भारती ने कल आग में घी डालने का काम किया, उसको और सुलगाने का काम किया। आज के बाद एक 8 ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार कर सकते हैं तो भाजपा शासित सारे राज्यों में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और उन्होंने इसकी मांग जेपी नड्डा से की है, शिवराज सिंह की तारीफ की है कि उन्होंने शराब की दुकानें ना बढ़ाने के लिए का फैसला लिया है। मुझे लगता है एक किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर वो माउंट कर रही हैं, ये इसका मतलब क्या है ये उमा भारती बता सकती है, भाजपा नेता बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनका एक बड़ा मतलब है सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी उसमें कई लोग मारे गए, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है, ईश्वर की कृपा है कि सीरम जो वैक्सीन है उसको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और उसका सबसे बड़ी बात यही है। दूसरा, एक अखबार ने डॉक्टर नौतम मिश्रा का एक इंटरव्यू छापा है, इंटरव्यू खबर छापी है, जिसमें कहा है इस सारे मामले में नहीं, शराब कांड के बारे में मुख्यमंत्री ही अंतिम फैसला लेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आऊंगा। भास्कर ने कहा US 5 लाख भारतीयों के ग्रीन कार्ड का रास्ता साफ। कुल मिला के ये सारी खबरें हैं जो पूरे दिन भर गूंजती रहेंगी। और कुल केशव निगम के समीप जिस जमीन पर अभी पिछले दोनों कर्फ्यू लगा का कब्जा दिलाया गया था उसको लेकर कुछ लोग ट्रिब्यूनल में चले गए हैं, और उस ट्रिब्यूनल में कुल मिलाकर अब क्या फैसला होता है मुझे कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कुल मिला के मामला उलझता सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और कृषि कानून का 1.5 साल टालने का प्रस्ताव खारिज करने की खबर हरिभूम ने दी है। बाकी मुझे लगता है एक खबर और है जो दिलचस्प है, ज्योति सिंधिया को आखिर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ठिकाना मिल ही गया। वो चाहते तो खरीद के रह सकते थे, लेकिन पिछले 2018 से लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको ठीक ठाक उनके कद और पद के हिसाब से बंगला मिल जाए, वो मिल नहीं रहा था। 2018 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया था, लेकिन बंगला नहीं मिला।
कमलनाथ से उन्हें बात की, लेकिन कमलनाथ ने जो बंगला उन्होंने पसंद किया वो अपने बेटे को दे दिया। अब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बहुत ही स्मार्ट मूव करते हुए बंगला दिया है जो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच है, मुख्यमंत्री निवास के करीब है और तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री के पास है, यानी फार्म हाउस पर उनको बंगला दिया गया है। काफी बड़ा बंगला है, उमा भारती और दिग्विजय सिंह दोनों से बड़ा बंगला है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह चीजें आगे बढ़ती है, लेकिन बंगलों का और गाड़ियों का राजनीति में सिग्नलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है और मुझे लगता है सिंधिया ने भी ये किया है। सिंधिया चाहे तो खुद खरीद सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, लेकिन सरकारी बंगला एक अलग चीज होती है। दिल्ली में भी सरकारी बंगले को लेकर वो काफी चिंतित रहे, जिसमें उनके पिताजी कभी रहा करते थे, बाद में उनको खाली करना पड़ा था, फिर उन्होंने वही बंगला अलॉट कराया है। दरअसल बंगला और गाड़ी को चीज ही ऐसी है जो आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ जाती है। जी बिल्कुल, ये तमाम वो खबरें, ऐसे में रमेश शर्मा जी आपका रुख करूंगे, जिस तरह से यहाँ पर अभी प्यारे मियाँ के शोषण के शिकार पीड़िता को मर्चुरे से सीधा विश्राम घाट ले गए, बहुत मार्मिक तरीके से उस खबर को उठाया गया और शुरुआत भी पटेरिया जी ने इसी खबर से की। तमाम अखबारों की अगर यहाँ पर हेडलाइन देखी जाए तो इतनी मार्मिक तरीके से है कि पढ़ते ही कंपन सी यहाँ पर महसूस होने लगती है कि आधी शिक्षा कक्ष के बराबर से रहती थी पांचों पीड़िताएं, फिर भी गोली खाने का देरी से पता चला और टीचर बनना चाहती थी उसके बाद भी, तमाम तरह किया, लेकिन क्या लगता है कि इस मामले में क्या कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं जिसके चलते इतना सब कारनामा किया जा रहा है? ये बिल्कुल आपका सोचना ठीक है, मुझे भी इसमें लगता है कि इसमें कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि तीन लड़कियों को ये नींद की ओवरडोज दिया गया था जी। दो तो अस्पताल पहुंची हैं और एक लड़की वहीं है, टोटल पांच में से तीन को। अब ये तीन का फिगर तो चूंकि सामने आ गया, हो सकता है पांचों लड़कियों को दिया ही गया हो, और फिर जिस तरीके से आया है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई जहर जैसी कोई चीज थी, तो मैं समझता हूँ उसके परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं कि सबूत मिटाने के लिए संभवतः मारने की कोशिश है, मैं उसका एक हिस्सा देखता हूँ। और अगर परिवार वाले अपनी बच्चे की शव को घर ले जाना चाहते थे तो पुलिस को इतना दबाव देकर के सीधे शमशान घाट ले जाकर के, ये जो वाकई ये जो मैं तो इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता, और उसमें मुझे तो मेरा शक है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं आरोपियों के साथ और अपराधियों के साथ, जो कुछ कनेक्शन के आधार पर उसको सीधे लेकर के चले गए और उस मामले को दबाने की बराबर कोशिश की जा रही है। मैं तो बल्कि आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि ये जो इसका दूसरा जांच के लिए कहीं जा रहा है उसमें भी सावधानी बरती जाए, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों का नेटवर्क होता है वो इस तरह की रिपोर्ट को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में अब दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, किसान और सरकार के बीच आज 12वें दौर की बातचीत है। लगातार आप लोगों से ये सवाल होता है कि आज की बातचीत में क्या होगा, लेकिन आज ये कि जिस तरह से यहाँ पे अभी तक 12वें दौर की बातचीत आज होगी और 11वें दौर में सिर्फ 7वें दौर की बातचीत ऐसी थी जो कि 40% काफी हद तक सही थी और किसानों के हित में भी थी, दोनों में नरमी देखी गई, लेकिन बाकी बातचीत जो थी वो बेनतीजा नजर आई। अब ऐसे में 26 जनवरी यानी कि जो गणतंत्र दिवस है उस दिन यहाँ पर ये ट्रैक्टर निकाली जाएंगे, आपका परसेप्शन क्या कहता है रमेश शर्मा जी कि 26 जनवरी जो कि एक अहम दिन हर भारतीय के लिए हो जाता है, तो क्या 26 जनवरी को इस तरह का प्रदर्शन या आंदोलन करना जरूरी है या जायज है? 26 जनवरी को इस तरह का आंदोलन करना बिल्कुल जायज नहीं है, और जैसा कि किसान आंदोलन पर अपनी लगभग रोज बात हुई है और मैंने पहले दिन कहा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनका किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं, ये लोग सरकार को दबाना चाहते हैं और देश में एक अशांति पैदा करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि आंदोलन का समय कौन सा चुना गया, जब चीन सीमा पर दबाव बना रहा है, भारत में हमको वैक्सीन लगाना है, तो आंदोलन के लिए जो दिन चुने गए कहीं ना कहीं सरकार का अटेंशन जो देश की भीतर की और बाहर की समस्या से हटाना है, और इसका आंदोलन में जो बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं वो वामपंथी और लेनिनवादी और तमाम उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वामपंथी अंग्रेजों के साथ थे, वो आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध रहे हैं, 1962 में वो चीन के साथ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं देश को कमजोर करना, इसलिए 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी गरिमा को कम करना कुछ लोगों का उद्देश्य है, मैं समझता हूँ ये बहुत अनुचित है, और मैंने पहले दिन से कहा था कि बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य सरकार को दबाना है,
तो कुल मिलाकर के 26 जनवरी को अड़े रहेंगे और मेरी दृष्टि में तो सरकार को राजदंड दिखा करके इनको वहां से हटा देना चाहिए। एक कोरोना वैक्सीन को लेकर भी आपका कमेंट चाहेंगे। जिस तरह से कोरोना की जो वैक्सीन थी उसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि अब वैक्सीन आएगी तब वैक्सीन आएगी और कोरोना से हमें निजात मिलेगी। अब चूंकि जब वैक्सीन आ गई है तो जो डर और भ्रम है, जिस पर लगातार मैं चर्चा आप लोगों से करती हूँ, कि वो डर और भ्रम की स्थिति अभी भी देखी जा रही है। यहाँ पर अगर पत्रिका की हेडलाइन देखिए, 35% कर्मचारियों ने टीका नहीं लगवाया सिर्फ डर के चलते कहीं कुछ होना चाहे। और तमाम यहाँ पर हम भी देख रहे थे कि कई तरह के यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे थे कि नेता मंत्री यहाँ पे वैक्सीन लगाने के लिए पहले क्यों नहीं आते, अब दूसरे चरण में उनको टीका लगेगा। किस तरह से आप पूरा कोरोना वैक्सीन के इस मामले को देखते हैं? मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 60-62% कोरोना का वैक्सीन लग गया है और कर्मचारी अगर उसमें कुछ एब्सेंट हैं तो मुझे लगता नहीं है कि किसी डर के कारण एब्सेंट हो। मोटे तौर पर 100% रिजल्ट कहीं नहीं आते। हम चुनाव में देखते हैं मतदान नहीं होता 100%, मुश्किल से 60-70% ही मतदान होता है। तो वही औसत हम अगर उसके आसपास देख रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन का है। कुछ लोगों को कुछ समस्या होती है, कोई बीमार कर्मचारी होता है, कोई कहीं बाहर होता है तो वो नहीं लग पाई। डर अगर होगा तो 1-2% लोगों को ही डर होता है और इस वैक्सीन को लेकर के लोगों में डर पैदा किया गया, लोगों में भ्रम पैदा किया गया। तो कुछ लोग हैं जो देश में भ्रम पैदा करके समस्याओं को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कभी मोदी जी ने निर्णय लिया है कि जनप्रतिनिधि लगाएंगे और संभवतः संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ये दौर फरवरी में शुरू हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के बाद तारीख की घोषणा होगी, फरवरी में शुरू हो जाएगा। पडेरी जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से यहाँ पर अगर उमा भारती ने यहाँ पर बोला कि बाकी अब हो शराबबंदी, खजाना भरने के और भी रास्ते, इसको पत्रिका ने छापा तो वहीं तमाम जो अखबार हैं, अब ये हरी भूमि के जिक्र किया जाए। उमा ने नड्डा से कहा कि भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी होनी चाहिए। लक्ष्मण बोले कि नई दुकानों से एग्रो इंडस्ट्रीज को फायदा। क्या इतना आसान है शराबबंदी हर भाजपा शासित राज्यों में? ऋतु, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने लिया, छोटा बड़ा करके। भास्कर ने सिंगल कॉलम लिया है, बाकी सब जगह इस खबर को बहुत अच्छी तरीके से लिया गया है। दरअसल उमा भारती एक सामाजिक नेता है और बड़ी नेता है, तो मुझे लगता है उनका जो असर है वो निश्चित तौर पर दिखाई देता है और वो हमेशा अपने डिसेंट वॉइस के लिए जानी जाती है, समाज के पक्ष में खड़ी होने वाली आवाज को लेकर जानी जाती है और यही उन्होंने किया है। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर माउंट करने की कोशिश की है। एक और कमेंट आपसे चाहेंगे कि नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को मिल सकती है हरी झंडी। CWC की आज बैठक है दिल्ली में और इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा नया, उसको लेकर लगातार अटकलें यहाँ पर तेज थी। क्या आज यहाँ फुल एंड फाइनल माना जाए इसे? मुझे लगता है सब फुल एंड फाइनल है, राहुल गांधी ही मुजफ्फरपुर अध्यक्ष बनेंगे, बाकी सारी चीजें खुफिया है। कांग्रेस में राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार एक सोने के धागे की तरह है जो कांग्रेस को एक रखता है और कपिल सिब्बल जैसे लोग जो डिसेंट वॉइस के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है इससे एक प्रतीकात्मक है। चीजें कुल मिला के राहुल गांधी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। अगर कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई तो कल एक विकल्प के तौर पर आया था कि अशोक गहलोत को आगे लाया जा सकता है, देखिए क्या होता है। बिल्कुल, एक रिएक्शन आपसे भी लूंगी रमेश शर्मा जी। 6 साल में 5 बार घोषणा की गई कि हर बार पुलिस के साप्ताहिक अवकाश की छुट्टी होगी। ये जाहिर सी बात है कि कई बार हमने इसकी घोषणा सुनी लेकिन जो अमल पर फैसला होता है जमीनी स्तर पर कि छुट्टी उनको दे देनी चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। क्या ये भी अब फुल एंड फाइनल माना जाए कि अब पुलिस वालों को वाकई में एक दिन का अवकाश मिलेगा? लेकिन निश्चित रूप से एक दिन का अवकाश तो उनको मिलेगा, लेकिन कब से मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। और पुलिस वालों को अवकाश ना मिलने के 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, अंग्रेज लेकर आए थे 1862 में पुलिस मैनुअल और उसके तहत उन्होंने पुलिस को अवकाश नहीं रखा था। और क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही ब्यूरोक्रेट जो IAS का सिस्टम है वो अंग्रेजों का ही अभी तक चला आ रहा है, एक कारण तो वो है। और दूसरा कारण पुलिस के स्टाफ की कमी है, मोटे तौर पर जितने पुलिस होना चाहिए उतने पुलिस है नहीं, इस कारण वो बहाना लेकर के अवकाश स्थगित करते हैं। लेकिन फिर भी अब हमको उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस वालों को अवकाश अब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, एक आखिरी रिएक्शन आपसे ही रमेश शर्मा जी के, राम मंदिर निर्माण को लेकर हम देख रहे थे जब धन संग्रह की यहाँ पर आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा था तो विपक्ष के तमाम तरह के सवाल यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन एक यहाँ पर हेडलाइन देखे भास्कर की तो हिंदुओं के साथ ईसाई और मुस्लिम समुदाय भी अब दान दे रहे हैं, जो की एक अच्छी बात है और एक अच्छा मैसेज यहाँ हर किसी के जहन में जाता हुआ नजर आता है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि देश के अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने, ईसाई समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और हिंदू समाज के लोग भी हैं।
लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से या कुछ अन्य कारणों से, केवल बहुत कम संख्या ऐसी है जो मंदिर निर्माण के वहां पर पहुंच ही रहे हैं। तो मैं समझता हूं ईसाई समाज और मुस्लिम समाज जो आगे आया है, आपको ये स्मरण ही होगा कि जो व्यक्ति था जिसने सबसे पहला मुकदमा लगाया था अयोध्या का, उसने भी मंदिर निर्माण के लिए अपना धन दिया है, दान दिया है। इससे सामाजिक समरसता का देश में एक अच्छा माहौल होगा और इसको बल मिलना ही चाहिए, और मैं समझता हूँ मीडिया को भी इसको प्रमुखता से स्थान देना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो तमाम उन खबरों पर यहाँ जिक्र किया गया दो वरिष्ठ पत्रकारों से जो आज दिन भर चर्चा का विषय रहेंगी, और कुछ खबरें प्रमुखता से इस तरह से उठाई गई हैं अखबारों में जो कि कल भी आने वाले समय में सुर्खियां बटोर सकती है कई अखबारों की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार अब क्या कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए, टीएन मनीष जी और भानु चौबे जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है टीएनएन में। टीएन मनीष जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी, कौन सी वो प्रमुख खबरें जो आज दिन पर चर्चा का विषय रहेंगी ग्वालियर चंबल संभाग की? तो मुरैना में जिस तरह से जहरीली शराब कांड ने सबको हिलाकर रख दिया, सरकार तक इससे अलाकान हुई, उसके मुख्य आरोपी मुकेश किरार ने अब राज उगलने शुरू कर दिए हैं। ग्वालियर के महाराजपुरा का रहने वाला सुरेंद्र किरार, इसमें एक जो खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता है ओपी, उसका सबसे बड़ा सप्लायर पाया गया है, और उसने गिरराज किरार और उसका बेटा जो है उसको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसमें जो मुकेश किरार है वो लगातार एक के बाद एक अब राज उगल रहा है। उसने ये भी बताया है कि वो छहरा गाँव के अलावा अरहेला, काशपुरा, गलेता, बैसरोली और मानपुर व विसंगपुरा में गुमटी और दुकानदारों को ऐसी शराब सप्लाई करता था। अब ऐसे में अधिकारियों और मैदानी अमले के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इन गांवों में भेजी गई नकली शराब को बरामद करके नष्ट कैसे किया जाए। इस बीच में आपको बता दूं कि पड़ावली और एक गांव और में दो लोगों की और मौत हुई है। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा है ये और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में गिरफ्तारी की मंशा नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने एक नाबालिग आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया। उनने साफ किया कि किशोर न्याय बोर्ड जो है अपराधियों को, बाल अपराधियों को सीधे संप्रेक्षण गृह में रखता है, तो ऐसे में किसी भी तरह की अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होता। ऐसे ही पहला चरण टीकाकरण जो खत्म हुआ, उसमें सुपर स्पेशली कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे 160 वर्करों के नाम की सूची ही नहीं थी, तो ऐसे में चार दिन में 16 से जगह मात्र 808 लोगों को टीका लगा है। अब चिन्हित के ना आने पर दूसरों को वैक्सीन लगाने का अधिकार मांगा जा रहा है। इसके साथ ही एक खबर और है, व्यापार मेले से इसमें हर छतरी और गेट पर सैलानियों के लिए सैनिटाइजेशन का इंतजाम की बात है, दुकानों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। 30 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा है, जिसमें कई तरह की सौगातों का पिटारा वो खोलेंगे, उससे जुड़ी तैयारियों की बात है। इसके अलावा खाद्य अफसरों की टीम देख करके मावा बाजार, जो ग्वालियर में मोर बाजार में खोए का काम होता है, वहाँ के तमाम दुकानदार जो है अपने ताले लगा करके चले गए। एक मिजाजी मार्केट है जहाँ पे 8 दुकानें खोए की थी मावे की, उनको अचानक जैसे टीम पहुंची प्रशासन की तो सारे व्यापारी जो है ताला लगा कर भाग गए। ऐसे में सभी दुकानदारों के खिलाफ जो है प्रशासनिक खाद्य विभाग की टीम ने संजीव खेमरिया के नेतृत्व में सील करने की कार्रवाई की और 3 दुकानदारों से 70,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही मौसम को लेकर के एक बड़ी खबर है कि हवा के रुख में बदलाव के होते ही दिन में सर्दी से मिल रही है राहत, लेकिन रात का पारा सामान्य से 3.7 डिग्री जा रहा है। आज भी रात का पारा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, बादल छाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही लोगों में अब व्यापार मेले को लेकर के लगातार अब एक ये मन है कि सैलानी कैसे आएंगे, व्यापारी अपना पैसा भी लगा रहे हैं, कंपनियों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इतने बड़े व्यापार मेले में जहाँ लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड 19 के उसका पालन कैसे किया जाएगा। बिल्कुल, ये एक प्रशासन के लिए चिंता का विषय ऐसे में हो जाता है, समय की कमी है, इसलिए मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। और भानु जी, मैं आपका रुख करूंगी, मालवा निमाड़ क्षेत्र के अखबार क्या कहते हैं आज? आज की बड़ी घटना है, 6वीं क्लास की छात्रा को ड्रग देकर उससे दुष्कर्म हुआ है सामूहिक, और ये ड्रग माफिया का जो किस्सा इंदौर में चल रहा है उसी के सदस्य हैं ये अतिरिक्त। टीकाकरण 109% कल के दिन हुआ, 545 लोगों को लग गया है,
सीरम इंस्टीट्यूट की खबर हाईलाइट हुई है पूना की, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला हाईलाइट हुआ है, वंश वृद्धि के लिए वीर पत्नी की रजामंदी से ही उपयोग किया जा सकेगा, संरक्षित वीर की बात है ये। एक शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों ने 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, इंदौर में ये अपराध की घटना है। और स्टील के भाव इंदौर में घटे हैं काफी, और इसके अलावा मंदसौर में के कालाकोट में ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को पीटा है, वो किसी कार्रवाई के लिए गए थे वहां। अमरकंटक में पक्के निर्माण पे रोक लगने वाली है ताकि नर्मदा सुरक्षित रहे। और इसके अलावा एक हाथरस पार्ट टू के नाम से खबर छपी है, ये भोपाल में जो प्यारे मिया यौन शोषण कांड हुआ है उसमें एक नाबालिग का शव पुलिस ने सीधे श्मशान ले जाके क्रियाकर्म किया और माँ बाप को वहां बुलवा लिया अंतिम संस्कार के लिए। और बिजली 6% महंगी करने की तैयारी है, ऐसी खबर है। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हो और यहाँ पर खबरों पर बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ क्षेत्र में कौन सी प्रमुख सुर्खियां हैं, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो तमाम ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ की खबरों के बारे में जाना। फिलहाल टुडेज हेडलाइन में इतना ही, आप बने रहिए जेएनएन के साथ। नमस्कार।